यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसान्तकम् नामापि ते च मधुरम् मधुरम् स्वरूपम् कर्मापि ते च मधुरम् मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिम् प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिम् विज्ञम् प्रयच्छ परमम् परिभावयाम् कोमलम् कूजयन् वेणुम् श्यामलोयम् कुमारकः वेदवेद्यम् परम् ब्रह्म भासताम् हृदये मम कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितम् फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः श्रीराम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय शंभो शिव 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 नारायण 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 नमो महद्भ्य ममैवांशो जीवलोके जीवभूतस्सनातन मनस्थानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करुषति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्
नारायण सबका भला हो। समुपस्थित समादरणीय यति वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, मनस्थानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रवृत्ति हो या निवृत्ति करण सापेक्ष है, केवल शरीर को लेकर, स्थूल शरीर को लेकर जो कि कार्यात्मक है, प्रवृत्ति या निवृत्ति का निर्वाह नहीं हो सकता। केवल आत्मा को लेकर भी प्रवृत्ति या निवृत्ति का निर्वाह नहीं हो सकता। अतः आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अभिव्यंजक स्थूल शरीर से संपन्न करणग्राम के द्वारा प्रवृत्ति या निवृत्ति का संपादन होता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवं चैवात्र पंचमं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में कर्म के पंच हेतुओं का वर्णन किया गया। इसी प्रकार कठोपनिषद में आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः कहकर भोक्तृत्व भी करण सापेक्ष सिद्ध किया गया। कर्तृत्व हो या भोक्तृत्व, प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, करण की अपेक्षा अवश्य है, क्योंकि संकोच और विकास करण सापेक्ष है। आत्मा प्रवृत्ति निवृत्ति से अतिक्रांत है, तत्वतः विभु तत्व है। जो विभु होता है उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति संभव नहीं, इसीलिए कहा मनस्थानि इंद्रियाणि। पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं जिनका वर्णन स्वयं भगवान आगे करेंगे, और मन इनका अधिपति है। कर्मेंद्रियों का अंतर्भाव ज्ञानेन्द्रियों में कर लिया जाता है, इसी प्रकार प्राण को भी मन के साथ सन्निहित कर लिया जाता है। संपूर्ण सूक्ष्म शरीर का अंतर्भाव पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन अर्थात अंतःकरण में हो जाता है। नैयायिकों ने पंच ज्ञानेन्द्रियों के सहित मन को भी इंद्रिय माना है। यहाँ किसी को यह भ्रम हो सकता है कि वैशेषिक या न्याय न्याय का अनुगमन करके भगवान ने मनस्थानि इंद्रियाणि इन पदों का प्रयोग किया। इसलिए श्री मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने इंद्रियाणि में जो इंद्रिय शब्द है उसके साथ इंद्र सन्निहित है। इंद्र का अर्थ आत्मा किया, ताकि न्याय न्याय में भगवान के वचन का विनियोग न हो। इंद्रो माया भी पूर्वरूप इयते, यह एक श्रुति है। यहाँ इंद्र शब्द का प्रयोग इदंद्र परमात्मा के अर्थ में हुआ है। परोक्ष प्रिया इव ही देवाः, श्रुति का उद्घोष है कि देवता परोक्ष प्रिय सरीखे होते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन है, देवता जहाँ परोक्ष शैली में वस्तु के प्रतिपादन को पसंद करते हैं वहाँ
परोक्ष विधा से जो बात कही जाती है मुझे भी पसंद है, प्रिय है। बोलने की विधा है और बोलना बहुत कठिन है। क्या अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि पुनरुक्ति आदि दोषों से विनिर्मुक्त 10 वाक्य बोलना भी बहुत कठिन है। इसलिए महाभारत में कहा गया, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उसे सीमित शब्दों में अपने भाव को व्यक्त करना चाहिए। अधिक बोलेगा तो बवंडर होगा, कहीं न कहीं जाकर फिर विस्फोट होगा, क्योंकि बोलने के पीछे बहुत से अंकुश होते हैं। एक शब्द से काम चलता हो तो दूसरा शब्द का प्रयोग करना अन्याय माना जाता है। तो महर्षियों ने बोलने और लिखने के पीछे जितने नियमों को उद्भाषित किया है उनको पढ़ लिया जाए तो 10 वाक्य बोलना 10 वाक्य लिखना भी बहुत कठिन होता है। इसलिए इंद्र नाम रूपात्मक प्रपंच इदम कोटि प्रविष्ट है, उसकी रचना करने वाले सर्वेश्वर ने रचना के बाद अवलोकन किया, इसीलिए उनका नाम इदंद्र हो गया। परमात्मा सबसे उत्कृष्ट हैं, ज्यों के त्यों उनके नाम का लेना उचित नहीं। परोक्ष प्रिय पुत्र का, गुरुओं का नाम ज्यों के त्यों नहीं लेना चाहिए, विशेषकर बड़े पुत्र का, पुत्र वधु आदि का भी पहले यह मर्यादा थी। इदंद्र को ही इंद्र कह दिया गया है। इंद्रो माया भी पुरुरूप इयते, या जो श्रुति है इसमें इंद्र शब्द का अर्थ परमात्मा है। मधुसूदन सरस्वती जी ने व्याख्या न करके केवल इंद्र शब्द को डाल दिया, उससे क्या हुआ, वैशेषिकों के मत में भगवान के वचन का जो सन्निवेश हो रहा था उससे भगवान के वचन को बचाया, भगवान के वास्तव अभिप्राय को समझकर। जब सांख्य प्रस्थान की दृष्टि से हम इंद्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं तब अर्थ बदल जाता है, और नैयायिकों के प्रस्थान की दृष्टि से इंद्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं तो अर्थ कुछ और होता है। उनके यहाँ मन भी इंद्रिय है, ठीक, और वेदांत प्रस्थान में, वेदांत परिभाषा में इस तथ्य का प्रकाश किया गया, कदाचित मन को भी इंद्रिय मान लेंगे तो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमानादि प्रमाणों की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए मन को इंद्रिय नहीं मानना चाहिए। परंतु भगवान ने जो कहा इसकी दो विधा है, मनस्षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, मनस्षष्ठानि इंद्रियाणि जो कहा इसे वैशेषिक प्रस्थान के चपेट से मुक्त करने के लिए दो विधा मनुष्यों के द्वारा प्रयुक्त है। पहली विधा श्री मधुसूदन सरस्वती जी के इंद्र शब्द डालने से सिद्ध होती है। इंद्र का अर्थ है परमात्मा, परमात्मा के लिए जो प्रयुक्त हो उसका नाम इंद्रिय है, करुणग्राम। अब वे खटके पूरे करुणग्राम के लिए इंद्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते, केवल कर्मेंद्री के लिए ही नहीं, ज्ञानेंद्री के लिए ही नहीं, बल्कि मन बुद्धि चित्त अहंकार के लिए भी इंद्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। किस विधा से, इंद्र का अर्थ परमात्मा कर लेने पर। इसकी भी एक प्रक्रिया होती है, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध का एक वचन है सूत्रात्मक। हमने तो कई महान भावों को कहा, हमारे एक शिष्य हैं बहुत विद्वान, दर्शन विभाग के अध्यक्ष हैं ये हिंदू विश्वविद्यालय में, उनसे भी कहा, भागवत के बहुत दिग्गज विद्वान, बिना दक्षिणा लेकर भागवत की कथा कहते हैं, कोई मार्गव्य दे 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 दे, बहुत सौम्य साधक हैं, उनसे भी कहा
लेकिन वो लोग भी आजकल तीन बीमारी है आप लोगों के पास, वो नहीं है विस्मृति, व्यग्रता या व्यस्तता और आलस्य, कदाचित अहंकार न भी हो तो ये तीन बीमारी तो प्रायः है। हर व्यक्ति अपने को अत्यंत व्यग्र या व्यस्त मानता है, उसमें कर्ण पिशाची का भी हाथ है, मोबाइल उसका नाम हमने रखा है कर्ण पिशाची। जितनी आवश्यकता नहीं है उससे अधिक प्रयोग इसका होता है, तो व्यस्तता व्यग्रता के चपेट में प्रायः हर व्यक्ति है। एक सुनते सुनते विस्मृति हो जाती है। आजकल भगवद गीता में तो लंबी एक प्रक्रिया अपनाई गई, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, बहुत दूर जाकर विस्मृति का उल्लेख है, लेकिन आजकल द्रुत गति से सुनते सुनते विस्मृति हो जाती। तो एक व्यस्तता वहन व्यग्रता, एक विस्मृति, और तीसरा आलस्य, अहंकार हो या न हो, सज्जनों में भी यह तीन दोष है। इसलिए आजकल कार्य लेने की विधा अलग है, किसी को डांटना नहीं चाहिए, फटकाराना नहीं चाहिए, ये मान के चलना चाहिए कि सज्जन है तो भी तीन दोष इसमें है ही। इसलिए एक काम किसी से लेना हो तो 10 बार बड़े मीठे स्वर में उसको याद दिलाइए, तब हम जो काम लेते हैं 6 महीने पहले से हम संकेत करते हैं, 6-7 बार याद दिला देते हैं, क्योंकि ये मान के चलना चाहिए कि व्यस्तता विस्मृति और आलस्य आजकल जो वातावरण है उसकी देन है। अब देन है तो इसी में काम चलाना। लेकिन हमारे व्यक्ति ऐसे भी हैं, श्री गोविंदानंद जी, दोनों गोविंदानंद जी पूरी हो आए हैं, हमारी बात सुनकर वो मंत्र मानते हैं, बहुत से ऐसे भी हैं, वो 6 महीने बाद या 6 साल बाद जो ही अवसर देखते हैं उसे क्रियान्वित कर लेते हैं। तत्काल अगर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है तत्काल कर लेते हैं, फिर भी व्यस्तता के कारण। तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया, श्रीमद् भागवत है, आपके भी और संकेत है, आप इस कार्य को कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म सूत्र है ना, श्रीमद् भागवत से आद्यंत प्रथम स्कंध से लेकर द्वादश स्कंध तक, प्रथम श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक जितने दार्शनिक सूत्रात्मक वाक्य हैं उनको विषय क्रम से निबद्ध करना। जैसे अध्यासो विद्याकृतः, अध्यास जो है अविद्याकृत है, कितना बढ़िया है। अध्यास का कारण अविद्या है, एकादश स्कंध में है। लक्षणई अनुमापकई है, लक्षणई अनुमापकई जो मैं कहना चाहता था, द्वितीय स्कंध का सूत्र है। ऐसे जो सूत्रात्मक वाक्य हैं, श्री ब्रह्म सूत्र में 555 सूत्र हैं जिन पर भाष्य है भगवान शंकराचार्य का, तो 555 या 1000 जो कुछ, 1200 से अधिक न हो, ऐसे अगर सूत्र शैली में पूरे श्रीमद् भागवत को गुम्फित किया जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लक्षणई अनुमापकई, इसी प्रकार से विद्धि माया मनोमयम, इस ढंग से जो सूत्रात्मक वाक्य हैं और फिर उनका सामान्य ढंग से अर्थ करके किंचित 2-4 पंक्ति में उनकी व्याख्या कर दी जाए, तो एक जिनको श्रीमद् भागवत पूरे पढ़ने का अवसर नहीं मिलता उनके लिए एक बहुत उपादेय ग्रंथ हो सकता है। एक और भाव है, स्कंद पुराण में श्री वैष्णव खंड है, उसमें उत्कल का महात्म्य है, माला और माल्य में भेद वहां पर दिया गया है। माला किसको कहें, माल्य किसको कहें, उसको देख करके उठा भाव, पुराणों का मंथन, उप पुराण न भी हो, 18 पुराणों का मंथन करके
पुराणों में जो परिभाषा है, परिभाषा उन सबको अकारक क्रम अकारादि क्रम से गुम्फित अगर किया जाए बहुत उपकार होगा। स्वयं भगवान वेदव्यास जी ने एक एक शब्द को परिभाषित किया है। परिभाषा जितनी है पुराणों में उनको निकालने की आवश्यकता है एक जगह। जैसे व्याकरण में परिभाषेंदु शेखर है, ऐसे पुराणों को लेकर के, उपनिषदों को लेकर के, आज ही श्री गोविंदानंद जी से हमें विषय का प्रतिपादन भी करना है, बात हो रही थी। हम लोगों को टोली चाहिए, टीम चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि ये जो आधुनिक मिशन है ना, नाम नहीं लेंगे, मिशन, उन लोगों उनकी ओर व्यक्ति बहुत आकृष्ट होते हैं, हम लोगों की ओर आकृष्ट नहीं होते। कारण कई हैं। व्यक्ति देखता है कि दुकान कहाँ ऊंची है, कुछ इस तरह से हाई फाई, उसकी ओर बहुत आकृष्ट होते हैं। हम लोगों को आवश्यकता है दो चार दिग्गज संस्कृत के विद्वान, दो चार रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, विज्ञान के दो चार अलग अलग विभाग के विशेषज्ञ। इसी प्रकार से पुराणों का मंथन करके परिभाषा को लेकर एक ग्रंथ तैयार करने वाले 15-20 विद्वानों की हमारे पास अपेक्षा है। अंग्रेज वैज्ञानिक भी चाहिए, बहुत से ऊंचे ऊंचे। उससे क्या होगा कि हम लोग दृष्टि देते जाएंगे तो समाज का बहुत बड़ा हित हो सकता है। एक वैज्ञानिक से चर्चा हुई जो फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं, मूर्धन्य, रायपुर में, इंदौर से मेरे पास मिलने आए थे। आज हमने आपको संस्मरण बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इत्यादि की चर्चा चल रही थी, मैटर एनर्जी की चर्चा चल रही थी। हमने पूछा इन सब की आप परिभाषा कीजिए। मस्तिष्क में आया कि हमारे यहाँ इसको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कहते हैं। मस्तिष्क काम करने लग गया। हमने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने कहा हमारी फिजिक्स में तो इन सब का कोई स्थान नहीं है, ये सब प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते। हमने कहा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। उन्होंने कहा 5-7 साल आपसे फिजिक्स पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं मन ही मन हंसा। PhD जो फिजिक्स में है, विश्वविख्यात है वैज्ञानिक, तो वो कह रहे कि 5-7 साल हमें फिजिक्स आपसे पढ़ने की आवश्यकता है। तो हमारा ध्यान पहले भी था कि अभी कमी क्या है। जैसे वैदिक मैथमेटिक्स श्री भारती कृष्ण जी महाराज ने विश्व को दिया, उसमें सफलता क्यों मिली? 7 विषय में तो MSc थे, 1 साल में 7 विषय में विश्वविद्यालय में सबसे उत्कृष्ट नंबर से वो MSc नहीं था, उस समय MA ही कहते थे, आजकल की भाषा में 7 विषय में MSc थे और 14 भाषा के मूर्धन विद्वान थे। 14 वर्ष की अवस्था में सरस्वती उपाधि मिली थी संस्कृत भाषा में। तो वो अपने आप में अंग्रेजी वैज्ञानिकता की दृष्टि से मूर्धन्य विद्वान थे, संस्कृत की दृष्टि से मूर्धन्य विद्वान थे। उन्होंने विश्व को वैदिक गणित दिया। आजकल के वैज्ञानिकों को हमारे इन ग्रंथों का अता पता नहीं, जिनको कुछ अता पता है उनको विज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। दूसरी एक बहुत बड़ी कमजोरी आई है, ये तो अपना परिवार मानता हूँ ना, मैं अपने घर की कमी बता रहा हूँ, बाहर तो क्या बताऊंगा। दूसरी एक कमी आई है, ये भी मैंने श्री गोविंदानंद जी से कहा, इनको क्यों कहता हूँ, सज्जन हैं, बहुत अच्छे हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन अपनी एक धारणा है उसमें सिमटे हुए। ये लोग अपनी बुद्धि को चारों ओर विकसित करने में लगता है कि हम कुछ गिर पड़ेंगे, माने हम लाइन से हट जाएंगे। ठीक है, मोक्ष लक्ष्य है, ठीक है, उसमें हम विघ्न तो नहीं डाल सकते। ऐसे व्यक्ति अपने मस्तिष्क को राष्ट्र के लिए, सबके लिए भी फैलाव है, तो साधन मार्ग में विघ्न तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रायः साधकों की भावना होती है कि हम सीमित के रहेंगे तो दिशा बिखरेगी नहीं, सीमित आयु है, सीमित शक्ति है, उसमें अपना काम बन जाए, ये भी मार्ग ठीक है। लेकिन मैंने एक संकेत किया, वो संकेत क्या किया, पढ़ने की विधा बदल गई। अब ये जो हमारे दर्शन है, उपनिषद हैं, उपनिषद के भाष्य हैं, इन सब को उस ढंग से नहीं पढ़ाया जाता आजकल, न पढ़ा जाता है
जिससे हम वैज्ञानिक जगत में भी मूर्धन्य सिद्ध हो सके। आयुर्वेद का नाम वेद है या नहीं? आयु के आगे वेद क्यों है? वेद से निकाला ना। धनुर्वेद में धनुष के आगे वेद क्यों लिखा है? स्थापत्य सब में तो वेद लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? वेदों में सूत्र हैं, उन सूत्रों का अनुशीलन करके उसमें सन्निहित भावों का ऋषियों ने दर्शन किया, उसको फिर आयुर्वेद के रूप में, धनुर्वेद के रूप में, गांधर्व वेद के रूप में, वास्तुशास्त्र के रूप में, सब तो वेदों का वेद के अंतर्गत है ना। उस दृष्टि से आजकल अध्ययन अध्यापन की परंपरा विलुप्त है। अब कैलाश में है या नहीं है तो नहीं कह सकते। उस दृष्टि से कि ये संस्कृत पढ़ने वाले ये हजारों प्रकार के विज्ञान वेदों से निकाल सकें, वो जो ऋषियों ने कार्य किया था, चमत्कार किया था, वायुयान भी बनाया था, हम भौतिकता की दृष्टि से नहीं विचार कर रहे, लेकिन ये सब वेद क्यों है फिर? धनुर्वेद वेद क्यों है? वेद क्यों लिख दिया गया? तो वेदों से निकला है ना, किस वेद से कौन विज्ञान निकला उसका वर्णन किया गया। ऋग्वेद से संबद्ध कोई कहते, अथर्वेद से संबद्ध आयुर्वेद है, तो उस दृष्टि से अध्ययन अध्यापन की परंपरा विलुप्त हो गई। आज श्री गोविंदानंद जी को हम आगे बढ़ रहे हैं, इन्हीं की चर्चा चल पर ये भी हमने कहा, हमने दिखाया, हम पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से गणित को अब ढाल रहे हैं, क्योंकि जो गणित भगवत कृपा से विश्व को मिला उसमें मैं निमित्त हूँ, वो विश्व में कहीं नहीं है। पूरे वैज्ञानिक जगत को परिवर्तित करने वाला ग्रंथ मिला है अब तक, 9 ग्रंथ हो गए। जब वो थ्योरी ही बिल्कुल अलग है वैदिक, उसका लोप है, वैदिक ग्रंथों में भी ढूंढ पाना बड़ा कठिन है, तो प्रश्न उठा कि वो तो हमारे ग्रंथ पुस्तकालय की शोभा बढ़ाएंगे, तो हमारा ही दायित्व है कि उनको पाठ्यक्रम से व्यवस्थित करके 2-4, 10-20 हम गणित के विद्यार्थी उस गणित के आधार पर निकालें, तब वो ज्ञान विज्ञान का प्रचार होगा। तो इनसे मैंने कहा कि देखिए, इसमें अब जो हम पाठ्य पुस्तक तैयार कर रहे गणित पर, उसमें दर्शन शास्त्र का नाम, दर्श ये सब उदाहरण ये सब बहुत कम दे रहे हैं, नहीं के बराबर, लेकिन एक पंक्ति भी ऐसी नहीं है जो हमने दर्शन से न लिया। तो जैसे एक हमने उदाहरण दिया, भागवत आदि दर्शनों से लेकर के गणित शास्त्र बन गया, और भी अगर हम समय लगावें तो बहुत कुछ निकल सकता है, लेकिन जितना निकला है केवल शून्य और एक पर, वही लगभग 400 पृष्ठों की सामग्री है केवल शून्य और एक पर। तो इस ढंग से हर क्षेत्र में प्रगति हो सकती है, तो हम लोगों को असल में साधन कम है, शक्ति कम है, हर दृष्टि से कमजोर है, और शासन तंत्र तो दबाना जानता है, समाज हम लोगों का साथ देता नहीं एक प्रकार से, और ऐसी परिस्थिति में हानि किसकी हो रही? हम लोगों की उपेक्षा का अर्थ है ना राष्ट्र की उपेक्षा। क्यों उपेक्षा? अगर हमको इस प्रकार के साधन मिले होते हम रोते नहीं है, क्योंकि भगवान को जो कराना होता जिससे, वो तदनुकूल साधन संपत्ति दे देते हैं समय पर। युधिष्ठिर जी के द्वारा कराना था तो 4 भाई देवताओं के अवतार थे, यानी जिनके द्वारा भगवान को जो कराना होता है उन्हें कभी रोना नहीं पड़ता कि हमको ये चीज नहीं प्राप्त है, वो सामग्री भी वहीं से आती है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत कामशीलन करें, भगवान के अवतार हैं तो जितनी सामग्री जितने सहयोगी की प्रातित्विक दृष्टि से अपेक्षा सब ऊपर से आते। ऐसे कोई महापुरुष होंगे या कारक कोटि के व्यक्ति होंगे जिनसे भगवान को जो काम लेना है वो फिर ऊपर से ही आते हैं। केवल उनके भगवान शंकराचार्य का अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन करके हमने सामाजिक धरातल पर 3 शब्द निकाला, चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। संक्रमण काल में क्या होता है? स्थायी निर्माण नहीं होता, घर में आग लग गई तो कुआं खोदने जाओ, इसलिए संक्रमण काल है। इस समय क्या होगा? चयन,
व्यक्ति का चयन कीजिए, कुछ व्यक्ति आपके प्रति आकृष्ट होकर आएंगे, कुछ व्यक्ति के पहुंचना पास पहुंचना पड़ेगा। पद्मपादाचार्य स्वयं आए, मंडन मिश्र जी के पास पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा शंकराचार्य को। दोनों प्रक्रिया से चयन कीजिए, उचित प्रशिक्षण दीजिए और नियोजन मोर्चे पर व्यक्ति को नियुक्त कर दीजिए। भगवान शंकराचार्य के व्यावहारिक क्रियाकलाप का अध्ययन करके ये तीन शब्द हमने निकाला, चयन, प्रशिक्षण और अंत में नियोजन। उसी प्रक्रिया को हम लोग अपना रहे तो ये विषय यूँ चला गया दूर, इसलिए चला गया कि सचमुच में आजकल अध्ययन अध्यापन के शैली में विकृति आ गई। उस ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा है जिस ढंग से ऋषियों ने पढ़ाया था। वेदांताचार्य होने के लिए पढ़ाया जा रहा है, उसमें सामग्री कितनी मिलेगी? वो ढंग आना चाहिए ना कि कैसे ऋषियों ने इतने विज्ञान को निकाल लिया वेदों से, गीता से किन, जैसे वो है ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता, एक उदाहरण के लिए, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब ये विज्ञान हो गया, पूरा विज्ञान, किसी भी पदार्थ की आकस्मिकी उत्पत्ति नहीं होती और किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता, विज्ञान हो गया। इस पंक्ति को विज्ञान में ढालना सूत्र है ना, जैसे टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत है। प्रत्येक क्रिया की उसके समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है, या नीति शास्त्र भी है, लेकिन इससे यंत्र निकल आया, विज्ञान का सूत्र भी है। तो उस ढंग से भी पठन पाठन की प्रक्रिया चलनी चाहिए जो गीता से, जैसे एक इंजीनियर जितने होंगे, हमने एक प्रशिक्षण दिया था, हमारे एक शिष्य बहुत बड़े इंजीनियर हैं टुल्लू आचार्य जी, लोटपोट हो गए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम विविधास्त पृथक चेष्टा दैवन चैवात्र पंचमम, ये अभी हमने 10 मिनट पहले पढ़ा था। ये जितना ये विज्ञान है, इंजीनियरिंग विज्ञान, सब में अमोघ चीज है। मान लीजिए कहीं दुर्घटना घट गई, रेल की दुर्घटना हो गई, तो कैसे जांच करेंगे? अधिष्ठानम पटरीगत डब्बेगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, ड्राइवर चालक कर्ता के प्रमाद से तो दुर्घटना नहीं हुई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम, ब्रेक फेल इत्यादि होने के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। विविधा से पृथक चेष्टा, सिग्नल आदि देने में कमी के कारण, लाइन आदि देने में कमी के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई। और दैवम चैवात्र पंचमम, सुनामी लहर कोहरा आंधी वर्षा के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। गीता में अपने स्थान पर जो इसका अर्थ होना चाहिए आचार्यों ने किया, लेकिन वो प्रकरण से ऊपर उठकर जो परसों हमने चलाया था, प्रकरण में तो ठीक है, लेकिन प्रकरण से ऊपर उठकर पूरा यांत्रिक जो जगत है इसके आधार पर संचालित हो सकता है, इसके आधार पर कोई जांच कमीशन बने तो उसमें कोई दोष नहीं निकलेगा। 5 ढंग से विचार करने पर सांगोपांग विचार होगा या नहीं, हमने एक उदाहरण दिया। अब चलें उधर ही, आज जो गणित की धारा थी तो यहाँ आ गए। एक बार हमारे जो 9वीं कक्षा की बात है, केमिस्ट्री के अध्यापक आए, हम 32 विद्यार्थी थे, दिल्ली क्लॉथ मिल DCM हायर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज का मैं विद्यार्थी था। हम लोगों से कोई भूल नहीं हुई थी, एक एक चाटे सबको जड़ दिए गाल पर। तो उन दिनों तो बड़ा अनुशासन था, लेकिन एक हमारे सहपाठी ने कहा, गुरुजी रोते हुए, ये तो बताओ कि हम लोगों ने अपराध क्या किया, दिल्ली की भाषा तो ऐसे ही है, चांटे जड़ दिए। अब अध्यापक को मालूम पड़ गया कि भूल तो हुई, कुछ तो अपराध नहीं था बच्चों का, था कि घर में लड़ झगड़ के आए होंगे, मूड खराब होने के कारण बच्चों को एक एक चांटे जड़ दिए। तो लेकिन चतुर थे, केमिस्ट्री के थे, उन्होंने कहा, बच्चों तुम्हारे तो गाल पर एक चांटे लगे, मेरी हाथ हथेली की दशा देखो, तुमको जो एक एक चांटा मारा, मेरे तो 32 चांटे लग गए। तो हम लोग हंस पड़े, ठीक कही है, वो जो विषय बदल गया, उन्होंने कहा मेरी दुर्दशा देखो।
आज हम सुबह गणित लिख रहे थे तो धारा थी विज्ञान की, वो यहाँ आकर के निकल गई, लेकिन उसके पीछे भी रहस्य है। ये ढंग से पठन पाठन की प्रक्रिया चलनी चाहिए, और लुप्त होने के कारण बहुत सी हम लोगों को हानि हो रही है, और भविष्य में ये सब जो अंग्रेज लोग परिश्रम कर रहे हैं, मुझे मालूम है आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी यही होंगे, तब हमारी क्या दशा होगी उस पर विचार करना चाहिए। गिने चुने मनीषियों प्रकारांतर से आपके प्रश्न का उत्तर हो गया जो परसों आपने किया था, इस अवस्था में धाम में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं। उस दिन तो धारा में विषय हम कुछ इस पर नहीं बोल सके, प्रकारांतर से उस प्रश्न का उत्तर भी हो गया। अब प्रवृत्ति या जो निवृत्ति होती है वो कर्म सापेक्ष होता है। यहाँ पर वैशेषिक प्रस्थान में भगवान के वचन का विनियोग ना हो, इसलिए भगवान के मनोभाव को परखते हुए मर्मज्ञ मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने कुछ भी वैशेषिक आदि का नाम न लेकर केवल एक शब्द डाल दिया, इंद्र, उसका अर्थ कर दिया आत्मा। इंद्रिय का अर्थ हुआ आत्मा के लिए प्रयुक्त और विनियुक्त होने वाली सामग्री। अब इंद्रिय जो पारिभाषिक इंद्रिय है वैशेषिकों की, उसमें इंद्रिय का लक्षण नहीं गया, एक मार्ग हमको मिल गया। इस प्रक्रिया के अनुसार हम मन बुद्धि चित्त अहंकार को इंद्रिय कह सकते हैं, लेकिन वैशेषिकों की इंद्रिय से वो पृथक सिद्ध होगी। इंद्र माने परमात्मा आत्मा, उस पर मैंने एक उदाहरण दिया था, वहीं से धारा चल पड़ी। लक्षणै अनुमापकै श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध का यह सूत्र है। जो कार्य होता है वो करण का अनुमापक होता है, छिदिक क्रिया करण जन्या क्रियात्वात्, इस ढंग से छिदिक क्रिया है, छेदन की क्रिया है तो करण जन्य है, क्रिया होने के कारण जो भी क्रिया होती है वो करण जन्य होती है। क्रिया से किसको हम पकड़ लेते हैं, करण को, और करण से किसको पकड़ लेते हैं, कर्ता को। करण का जो प्रयोक्ता होगा उसका नाम कर्ता होगा। हम कहाँ से बोल रहे हैं, ब्रह्मसूत्र कर्तृधिकरणम से, ब्रह्मसूत्र में कर्ता को लेकर एक अधिकरण है, उसमें जो भगवान शंकराचार्य ने दृष्टिकोण दिया वहां से बोल रहे हैं, ब्रह्मसूत्र कर्तृधिकरणम से। क्रिया के द्वारा करण का अनुमान होता है, रूपोपलब्धि करण जन्य क्रियात्वा छिद क्रियावत, रूप की हमको उपलब्धि होती है, कोई न कोई रूप की उपलब्धि के मूल में करण होना चाहिए, क्योंकि रूपोपलब्धि क्रिया है। इसके द्वारा अतीन्द्रिय नेत्रेन्द्रिय का नैयायिक लोग अनुमान करते हैं। तो भागवत ने यह दृष्टिकोण दिया कि जो क्रिया होती है उसके द्वारा करण का अनुमान होता है, करण के द्वारा करण के प्रयोक्ता और प्रकाशक कर्ता का अनुमान होता है, और करण तथा क्रिया निरपेक्ष कर्ता के द्वारा शुद्ध आत्मा का अधिगम होता है। हो गया, एक नियम बन गया। इसी से चित्त और चैत्य, चित्त और चैत्य, हमारे गौड़पादाचार्य जी ने बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया अपनाई, तीन शब्दों में ही पूरा वेदांत आ गया। चित्त, चित्त स्वरूप आत्मा, चित्त, चित्त विषयाध्यास युक्त चित्त का नाम चित्त, और चैत्य माने चित्त का विषय, हो गया पूरा हंसोपाख्यान, तीन शब्दों में आ गया। गौड़पादाचार्य जी की शैली चित्त, चित्त, चैत्य, लेकिन भागवत प्रस्थान में चैत्य का अर्थ अंतर्यामी होता है। चित्त के नियामक का नाम भी चैत्य हो सकता है व्याकरण से, और चित्त के विषय का नाम भी चैत्य हो सकता है। वेदांत प्रस्थान में चैत्य शब्द का प्रयोग चित्त के विषय के अर्थ में किया गया है, लेकिन भागवत में आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति एकादश स्कंध में, वहां चैत्य शब्द का अर्थ दृश्य करेंगे, जगमगा जाएंगे। वहां चैत्य का मतलब वासुदेव, चित्त के जो नियामक परमात्मा है उनका नाम चैत्य,
चैत्य चित्त के प्रयोक्ता को भी चैत्य कहते हैं और चित्त के विषय को भी चैत्य कहते हैं, ऊपर नीचे दोनों चैत्य हो गया। गौड़पादाचार्य ने संक्षिप्त प्रक्रिया निकाली, चित्त चित्त माने ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म तत्व चित्त, चित्त विषय और विषय, विषय जुड़ गया, विषयाध्यास जुड़ गया, उसका नाम हो गया चित्त, उसका जो विषय हो गया चैत्य, चैत्य का सन्निवेश हो गया चित्त में, चित्त का सन्निवेश हो गया चैत्य में। अब हम चाहते हैं कि चैत्य चैत्य रह जाए, चित्त चित्त रह जाए, विषय से चित्त पृथक हो जाए और चित्त से विषय निकल के बाहर चला जाए। तो कहा चित्त को पकड़िए, ऊपर एक श्रेणी को पकड़िए, ऊपर एक श्रेणी को पकड़िए। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है श्रीमद् भागवत का भी, उससे भी हमने गणित निकाला है भगवत कृपा से, भागवत में बहुत बढ़िया दिया। जिससे जिसकी उत्पत्ति स्थिति समृद्धि और ईक्षण शब्द का प्रयोग किया है श्रीधर स्वामी ने, ईक्षण का अर्थ प्रकाश किया है। जिससे जिसकी उत्पत्ति हो स्थिति हो, जिसमें जिसकी समृद्धि जिसका लय हो, जिससे जिसका ईक्षण हो, ईक्षण माने प्रकाश, ईक्षण का अर्थ प्रकाश, बस उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप वही है, एक नियम है। और हमारे पास स्थल लिखा है, उस पर बहुत से गणित के पहेली को सुलझाया है। उसमें फिर एक बहुत बड़ा, अगर श्रीधरी टीका न होती तो अर्थ लगाना कठिन होता, अर्ष्टि उसमें आया है कि तरु वृक्ष, अर्ष्टि माने बीज, बीज और वृक्ष, बीज और वृक्ष हमारे सामने हैं। अब इनमें कौन उपादेय कौन उपादान निर्णय करना कठिन है, बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज, ये दो तो तत्व हैं हमारे पास, इनमें कार्य कारण भाव का निर्धारण हमारे लिए बहुत कठिन है। बीज का कारण वृक्ष या वृक्ष का कारण बीज, बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज, जहाँ इस प्रकार की स्थिति है कि दो वस्तु तो हैं लेकिन उनमें कार्य कारण भाव का निर्धारण कठिन पड़ रहा है, तो वहाँ पर श्रीमद् भागवत ने दृष्टिकोण दिया, बहुत बढ़िया दृष्टिकोण है। एक कक्षा दो कक्षा ऊपर देखिए, वहाँ पर आया वसु और काल शब्द का प्रयोग, वसु और काल, अर्ष्टि तरु वसु काल, इन चार शब्दों का प्रयोग किया गया। ये जो विज्ञान है ना, इससे हजारों जगह लाभ उठाया जा सकता है, वैज्ञानिक क्षेत्र में भी। आज हमारी धारा विज्ञान की ओर है, उदाहरण देते हैं। अब तरु और बीज, इनमें कार्य कारण भाव का निर्धारण हम नहीं कर सकते, उसके मूल में वो, उसके मूल में वो, तो फिर क्या करना चाहिए, एक कक्षा ऊपर उठना चाहिए, वहाँ पर काल और वसु शब्द का प्रयोग है। अब श्रीधर स्वामी जैसे टीकाकार न हो तो काल का अर्थ पृथ्वी लगाना बहुत कठिन होगा, यानी काल का अर्थ कोई सोच सकता है कि पृथ्वी है, नहीं सोच सकते। लेकिन प्रसंग के अनुसार नीलत्वादि असाधारण गुण योगित्वात् काल पृथ्वी, श्रीधर स्वामी ने लिखा, यहाँ काल शब्द का अर्थ है पृथ्वी। अब लग गई बात, क्या लग गई, अरे तरु और बीज इनमें परस्पर कार्य कारण भाव का निर्धारण कठिन पड़ रहा है, एक कक्षा ऊपर उठिए, पृथ्वी पर चले जाइए, पृथ्वी हमको इन दोनों के उपादान कारण के रूप में प्राप्त हो जाएगी। एक कक्षा और ऊपर उठिए तो वो शब्द दिया वसु, वसु का अर्थ है यहाँ पर गंध तन मात्रा, अपंचीकृत पृथ्वी, बस अब संगत लग गई। अपंचीकृत पृथ्वी गंध तन मात्रा जो है वो पृथ्वी का कारण है, और पृथ्वी जो है तरु तथा बीज का कारण है, एक मार्ग दे दिया, बहुत वैज्ञानिक मार्ग है। इसका अनुगमन किन्होंने किया, बाबा नगीना सिंह का एक ग्रंथ है, इस पुस्तकालय में होना चाहिए, बाबा राम श्री रामतीर्थ मिशन से प्रकाशित है, परिष्कृत हिंदी में, पहले पारसी में ग्रंथ था, फारसी, श्री नारायण जी ने पट्ट शिष्य रामतीर्थ जी के, वेदानुवचनम, बहुत बढ़िया ग्रंथ वेदानुवचनम, हमने उसका अध्ययन लगभग 40-45 साल पहले किया होगा,
वेदान वचनम नामक जो ग्रंथ है उसमें आया कि दूध और दही में कौन उपादान कौन उपादेय निकालिए। तो दूध का तो पूरा परिणाम दही के रूप में हो जाता है, तो दही बन जाने पर दूध की प्राप्ति हो सकती है क्या, या दूध की उसमें अनुगति होती है क्या? दही फिर से हम दूध बना सकते हैं क्या? सुवर्णाभूषण खंडित हो जाए तो सुवर्ण की प्राप्ति हो सकती है, आभूषण काल में भी सुवर्ण की स्थिति होती है, जल तरंग में तरंग की दशा में भी जल की स्थिति होती है, लेकिन जब दूध दही के रूप में परिणत हो जाए उस दही से फिर दूध की प्राप्ति नहीं कर सकते। उन्होंने कहा बस ऊपर उठिए, पृथ्वी पंचभूत पर चले जाइए, अब उपादान कारण मिल जाएगा। तो जहां दो वस्तुओं में संदेह होता है कि किसको उपादान कहें किसको उपादेय कहें, पूर्व विद्यमान होने पर भी उपादान का पूरा लक्षण चरितार्थ नहीं होता। दुग्ध की पूर्व विद्यमानता है, दही की उत्तर विद्यमानता है, लेकिन दध दशा में दुग्ध प्राप्त नहीं है और पुनः दग्ध से दुग्ध की प्राप्ति नहीं कर सकते, तो फिर ऊपर उठ करके देखना चाहिए। तो ऊपर हमको क्या मिल जाता है? कारण का विज्ञान हो जाता है। तो बाबा नगीना सिंह ने कहा पंचभूत ले ली, अब दही और दूध दोनों का उपादान कारण पंचभूत मिल जाएगा। इसी प्रकार से अधिष्ठानात्मक उपादान चित्त हो गया। तो योग वाशिष्ठ की प्रक्रिया क्या है? मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है। पंचदशी कारण ने योग वाशिष्ठ से लिया यह। मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है, मननी शक्ति विहीन मन का नाम आत्मा है। विषयाध्यास से युक्त चित्त का नाम चित्त है, विषयाध्यास से रहित चित्त का नाम चित्त है। इसको तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भगवान शंकराचार्य महाभाग ने सिद्ध किया, चित्तम चिदिति जानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणव। तो प्रवचन को उपसंहार का रूप देते हैं श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने, यहाँ इंद्रिय भगवान ने कह दिया मनसष्ठान इंद्रियाणि। इसके दो विधा है, एक मधुसूदन सरस्वती जी वाली विधा है। इंद्रिय में इंद्र शब्द का अर्थ आप परमात्मा या आत्मा कर लीजिए, उसके लिए जो प्रयुक्त हो जो उसका अनुमापक हो उसका नाम इंद्रिय हो गया, जिसको मांडुक उपनिषद ने मुख कहा, एको नविंशत मुख, मुख माने उपलब्धि स्थान द्वार। तो इंद्र के लिए प्रयुक्त हो और इंद्र का अनुमापक हो, इंद्र माने आत्मा, उसका नाम इंद्रिय। अब लक्षण की व्याप्ति वैशेषिक प्रस्थान में नहीं गई, हमने अपने प्रस्थान को वैशेषिक प्रस्थान से बिल्कुल अछूता सिद्ध कर दिया। इंद्र का अर्थ हमने आत्मा कर लिया, सांख्य चुंबित वेदांत हो गया। एक प्रक्रिया यह, और दूसरी प्रक्रिया जो है कि ये तो हमने किया कि इन दूसरी प्रक्रिया क्या है कि ठीक है मनसष्ठान इंद्रियानि में पांच तो इंद्रियां हैं ही, पांच ज्ञान इंद्रियां जिनका नाम भगवान स्वयं लेंगे, हम लोग जानते हैं पांचों ज्ञान इंद्रिय, छठे को लेकर है ना कि इंद्रिय है या नहीं, तो वेदांत परिभाषाकार ने दूसरा दृष्टिकोण दिया। ये जो इंद्र पद का अर्थ परमात्मा किया गया इंद्रिय में, यह सांख्य प्रक्रिया के अनुसार है, और वेदांत परिभाषाकार ने लिया कि यूं करना चाहिए जैसा कि मैंने कल संकेत किया था, नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। ये नारायण देख के जाने दीजिए, लेकिन रास्ता छोड़ दो, उधर से ही उसको जाने का रुख है, जाने दीजिए अपना रास्ता निकाल लिया। तो शिक्षा है हम लोगों को, आजकल कहीं जाना चाहे करना चाहे ऐसे कठिन है जैसे गाय ने अपना रास्ता निकाल लिया, हम लोग को रास्ता निकालना चाहिए। दूसरी प्रक्रिया वेदांत परिभाषाकार की है कि नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। तो 27 नक्षत्र
अभिजीत को छोड़ के सामान्य रीति 27 नक्षत्रों में तो कहीं चंद्रमा का नाम नहीं है। तो चंद्रमा कौन है? नक्षत्रों के अधिपति। नक्षत्रों के अधिपति होने के कारण उनको भी क्या कह दिया गया? नक्षत्रों का राजा है। तो नक्षत्राणाम कह दिया। नक्षत्रों में ए रिक्शा, रिक्शा वाले को भी कह दिया रिक्शा। ए टोपी, ए चश्मा, चश्मा माने चश्मा वाला, चश्मा का अर्थ चश्मा नहीं है, चश्मा वाला। ए रिक्शा, रिक्शा अर्थ नहीं है, रिक्शा वाला। तो नक्षत्राणाम अहम शशि जिस शैली में भगवान ने कहा उसी प्रकार से मनसष्ठान इंद्रियाणी कहा। वहां पर इंद्रिय शब्द का अर्थ पांच ज्ञान इंद्रिय ही करना चाहिए, न कि मन। मन तो इनका अधिपति है। ठीक, समय हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर।